हेलो, आज हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट में एक लोगो ऐड और चेंज कर सकते हैं यूजिंग होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। तो चलिए देखते हैं लोगो क्यों ज़रूरी है। लोगो एक इम्पॉर्टेंट टूल है ब्रांड रिकॉग्निशन, ट्रस्ट और लॉयल्टी के लिए। ये आपके बिजनेसेस को स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है क्राउडेड मार्केट प्लेस में, और ये एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन भी बिल्ड करता है आपके टारगेट ऑडियंस के साथ। अगर आपके पास लोगो अवेलेबल नहीं है तो आप इसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग होस्टिंगर AI लोगो मेकर। सो आप अपना लोगो यहाँ पे AI की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर खुद भी। सो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं ये एक लोगो क्रिएट करती हूँ। जब आप अपने लोगो से सेटिस्फाइड हो जाए तो उसे डाउनलोड करें, और आप AI लोगो मेकर को बिल्डर में से भी एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली AI टूल्स पर जाएं और यहाँ से आप AI लोगो मेकर एक्सेस कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट में कैसे एक लोगो ऐड और रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसके लिए ये सारे स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहले अपने वेबसाइट बिल्डर में हेडर पर क्लिक करें, फिर एडिट हेडर सेलेक्ट करें, फिर लोगो टैब ओपन करें और फिर रिप्लेस इमेज पर क्लिक करें। यहाँ से अपने लोगो के लिए मीडिया लाइब्रेरी में से इमेज सेलेक्ट करें, या फिर फ्री इमेज ब्राउज करें, या खुद की फाइल अपलोड करें। अभी एग्जांपल के लिए मैंने ये लोगो अपलोड कर दिया है, तो चलो इसे सेलेक्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो रिप्लेस हो गया है। आप यहाँ से इसकी विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, और लोगो के लिए रिकमेंडेड फाइल फॉर्मेट है PNG और SVG, सो उसी के अकॉर्डिंग अपनी फाइल सेलेक्ट करें। और जब आप अपने लोगो से सेटिस्फाइड हो जाएं तो अपडेट वेबसाइट पर क्लिक करें, और अब आपका नया लोगो लाइव हो गया है। सो ये था सिंपल तरीका एक लोगो ऐड और रिप्लेस करने का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और हाँ, होस्टिंगर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।